बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर फोर्थ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही ओवरव्यू में जो चीज़ें रह गई थी हम लोगों ने उनको देखा। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर को स्टडी किया कि सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर के, वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर गुड क्वालिटी का है या नहीं है। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखी कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हमने देखा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को हमने देखा और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हमने स्टडी किया। और हमें ये चीज़ थोड़ी प्रीवियस लेक्चर से और क्लियर हो गई कि ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर की ये सारे एट्रीब्यूट्स को अचीव करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर इसी डोमेन के अंडर इश्यूज़ देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन से इश्यूज़ हैं। बार बार जो मैं कह रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को अप्लाई किए बगैर हम एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स, लार्ज स्केल के सॉफ्टवेयर्स नहीं बना सकते, क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, तो क्या रीज़न है। नेक्स्ट हम लोग टेक्निक्स देखेंगे टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट के फेलियर्स दो वजह से होते हैं। एक ये कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करते, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप उन्हें इग्नोर करते हो और डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हो तो आपको फेलियर फेस करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, जब आपके सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल के होते हैं, तो वो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास क्या है। सो इश्यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सबसे पहले कि फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर। और ये मोस्टली होता है कि आपके कस्टमर को जो चाहिए वो आप लोग बना ही नहीं सकते। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए, क्योंकि पूरी पूरी टीम उठ के नहीं जा रही होती, पूरा जो प्रोजेक्ट टीम है वो उठ के रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए नहीं जाती। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्रुप जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में अच्छा है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की, गैदरिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो वो लोग जो उसमें अच्छे हैं आप वो उन दो तीन लोगों को भेजते हैं और वो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन वही बात कि कस्टमर को खुद भी नहीं पता कि उसको चाहिए क्या। अब यहाँ पे हमें वो लोग चाहिए जो बात निकलवा सकें, जो कस्टमर से ये निकलवा सकें कि उसको क्या चाहिए। बहुत सी सिचुएशंस में मैंने खुद ये चीज़ फेस की है कि मैंने अपने दोस्त के ऑफिस में देखा था, उसका सारा ऑफिस के सारे काम ना कंप्यूटर पे हो रहे थे, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही। अब तो फिर भी लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है सॉफ्टवेयर के, हर तरफ इतने यूज़ के बाद लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले यही वाली स्टेटमेंट्स चलती थी कि मैंने अपने दोस्त के पास ऐसा देखा, मुझे भी ऐसा बना के दे दे। फलां का स्कूल जो है ना वो सारा ऑनलाइन काम कर रहा है, मुझे भी कुछ वैसा बना दे। ठीक है, अपनी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं पता, एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, तो उसमें से आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना होता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स निकलवानी पड़ती हैं। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए ना वो आप लोगों ने बना के नहीं दी, आप लोगों ने गलत समझ, कस्टमर एक्सप्लेन नहीं कर सका, आपने गलत समझा, आपने आगे जो डिज़ाइनर्स थे या प्रोजेक्ट हेड था उसको गलत आके एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट हेड ने कुछ और रिज्यूम किया और डिज़ाइनर्स को कुछ और बताया गया, इम्प्लीमेंटेशन हुई तो कुछ और। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं। ठीक है, आप कहते हो कि मुझे तो ऐसे समझ आया था, जबकि कस्टमर को कुछ और चाहिए होता है।
मोर टाइम एंड कॉस्ट। जो सबसे बड़ा इशू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फेस करना पड़ता है वो यही है कि आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सॉरी हमेशा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफ द स्केड्यूल होते हैं और बजट भी एक्सीड कर जाते हैं। अब देखें, एक एयरपोर्ट की ओपनिंग है, ठीक है, और आप लोगों को उसका सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है। अब जिस दिन उसकी ओपनिंग थी, आप जो है आप लेट हो गए और 10 दिन बाद आप सॉफ्टवेयर दे रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा है? इलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है आपसे, और जिस दिन इलेक्शन था उससे 2 दिन बाद आप या महीना बाद आप बना सकोगे, चलो 1 दिन बाद भी, उसका कोई फ़ायदा है? तो टाइम बहुत मैटर करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग ऑफ द स्केड्यूल होते हैं। अगेन रीज़न बिहाइंड ये है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे, जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन को स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये टेक्निक्स कितनी हेल्पफुल होती हैं सॉफ्टवेयर को विद इन बजट डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टाइमली डेवलप करने में ये टेक्निक्स कितनी हेल्पफुल होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टाइम का इशू होता है कि आपने जिस डेट पे डिलीवरी देनी थी सॉफ्टवेयर की, आप उसने नहीं दे सके। आपने 6 मंथ्स में सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना था और आपको 5 मंथ्स बाद पता चला कि हम लोग तो बिल्कुल अभी एनालिसिस फेज पे हैं, अभी तो डिज़ाइनिंग भी नहीं हुई अभी तो। और सेकेंडली क्या कि आप हमेशा अक्सर जो है जो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स जो हैं वो यही होती हैं कि पहले अमाउंट कुछ बताते हैं और फिर हर थोड़े दिनों बाद कुछ एडिशंस हो रही होती हैं कि ये भी काम करना है तो इसके लिए भी, या बजट कम हो गया है हमने फ्लां फ्लां सर्विसेज लेनी है उसके लिए, तो उसकी भी रीज़न यही है। अगर आप लोग प्रॉपरली सिस्टम को डिज़ाइन करते, रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन आपने प्रॉपरली की होती, प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू आपने एनालिसिस अच्छे से किया होता, आपने SRS प्रॉपर बनाया होता, तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट का पता होता, और फिर उसके बाद भी सारे फेजेस को जब आप प्रॉपरली आपने डिज़ाइन किया, आपको पता है कि कौन से फेज पे कितने हमारे रिसोर्सेज लगने हैं, कौन से फेज ने कितने टाइम में पूरा होना है, कितने रिसोर्सेज लगने हैं, तो आप लोग विद इन बजट रहते हो। ठीक है, हमारे पास काफ़ी टेक्निक्स हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। कैनबैन बोर्ड के थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि आप लोग जो है आप लोगों के पास कितने प्रोसेसेस, कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से पाइपलाइन में हैं, किन में इश्यूज आ रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज किस किस पे लग रहे हैं, कितने रिसोर्सेज हमारे पास बच गए हैं, कौन से हमारे पास स्पेयर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एक पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके प्रोजेक्ट की, तो आपके प्रोजेक्ट को विद इन टाइम और विद इन बजट अचीव करने में हमें आसानी होती है। नेक्स्ट इशू जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हमें फेस करना पड़ता है वो है बैड डॉक्यूमेंटेशन का। ये सारे इश्यूज तभी आ रहे होते हैं कि आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर की, अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, सिस्टम प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बुरी की है या ना होने के बराबर। अगेन वही मोस्टली ट्रेंड है, और अब ऐसा ऐसा चीज़ें मैं देख रही हूँ चेंज हो रही हैं, मोस्टली ट्रेंड है कि रिक्वायरमेंट्स मिली और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी, डॉक्यूमेंटेशन का पता ही नहीं है। जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग एलिसिटेशन के बाद प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एनालिसिस के बाद प्रॉपर आप एक SRS जनरेट कर रहे हो, डिज़ाइन फेज के बाद आपके पास एक प्रॉपर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद आपके पास एक कोड का डॉक्यूमेंट होगा, टेस्टिंग के बाद आपका, तो इश्यूज़ आपको आपको मोस्टली इश्यूज़ आपके सॉल्व, मैं ये नहीं कहती कि फेलियर नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि आपका कोई इशू नहीं होगा। आपका जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो ही आप बना सकोगे, विद इन टाइम बना सकोगे, विद इन बजट बना सकोगे। नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंट एरर्स। डेफिनेटली जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते तो हमें एरर्स बार बार फेस करने पड़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर्स की एग्जांपल्स देखी हैं, जिसमें हमने देखा कि एरर की वजह से फिर लॉस कितना बड़ा था,
और अगेन वही बात कि दूसरे कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें कोई एरर आ भी जाता है तो लॉस उतना नहीं है जितना आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और फिर अगेन चेंज करना भी मुश्किल है, हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, कि आपके मोस्टली जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसमें चेंज लाना और इम्प्रूवमेंट करना या उसमें कोई चीज़ ऐड करना वो बहुत मुश्किल है। और ये सारे इश्यूज़ तभी आते हैं जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन को इग्नोर करते हैं। एक पिक्चर से हम ये चीज़ समझ लेते हैं, बहुत पॉपुलर पिक्चर है मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के सब्जेक्ट में, इसको मोस्टली टीचर्स, मेरे टीचर्स ने भी कोट किया, मोस्टली टीचर्स को मैं देखती हूँ कि वो ये पिक्चर लाजमी बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। और इनफैक्ट ये पिक्चर जो है ना वो हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं ना उनको बहुत अच्छे से एलिब्रेट करती है। तो अब हुआ क्या कि हमारे पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने कहा कि मुझे जो है ना एक झूला चाहिए। अब चाहिए उसे ऐसा नहीं था, लेकिन उसने जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टीम थी उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि मुझे एक स्विंग चाहिए और उस पर 3 स्लैब्स, ये उसने एक्सप्लेन इस तरह से किया, उसे चाहिए ऐसा नहीं था। फिर जो प्रोजेक्ट लीडर था उसको समझ ये आया कि कस्टमर ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से हो और नीचे एक स्लैब लगी हो, ये हमारा किसने अंडरस्टैंड किया, प्रोजेक्ट लीडर ने। प्रोजेक्ट लीडर ने आके एनालिस्ट को जो एक्सप्लेन किया तो एनालिस्ट ने कहा कि ये तो जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर स्विंग चलेगा कैसे, तो मैं इधर 2 सपोर्ट्स लगा देता हूँ और उसने दरमियान में से दरख्त को काट दिया। अब जो हमारा बिजनेस कंसल्टेंट था जिससे हमने ओपिनियन लिया, सजेशन, उसकी एक्सपर्टीज़ हमने सर्विसेज उससे ली, तो उसने कुछ ये पिक्चर एक्सप्लेन की कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो डेवलपर था ना उसने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, फाइन। अब देखें, मैं मोस्टली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एडवांस कोर्सेज हैं उनमें यही चीज़ बच्चों को समझाती हूँ कि जितना पुअरली डिज़ाइन होगा आपका सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो प्रोग्रामर डेवलप कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के ऊपर, आपने किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, उसका आर्किटेक्चर कैसा बनाया है, और वो चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, रिक्वायरमेंट्स पे, कि आप लोगों ने कितनी एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स ली हैं। तो ये सब चीज़ें लिंक करती हैं, जब ये पिछला फेज़ ही आप लोगों ने सही से नहीं किया, कैजुअली किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फॉर्मल मेथड्स को फॉलो नहीं किया, तो डेवलपर ने तो यही बनाना है ना, फिर उसका तो कसूर नहीं है। अब ये था कि प्रोग्रामर को ये समझ, प्रोग्रामर ने ये कोड लिखा। अब डॉक्यूमेंटेशन जो है, अब डॉक्यूमेंटेशन के हालात ये हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं कोई सिरे से, और जब हम इंस्टॉल करने गए स्विंग वहाँ पे लोकेशन में तो इंस्टॉल कुछ इस तरह से हुआ, और ये बेस्ट डिपिक्ट करता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जब बिल आता है तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एक रोलर कोस्टर होती है कि पेमेंट्स पे पेमेंट्स करनी होती है, और मेंटेनेंस जो है वो इस तरह की होती है कि आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर दे दिया और उसके बाद जी हमें नहीं पता इसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं, हमारा काम था बना के देना, मेंटेनेंस हम नहीं दे, ठीक है। और लास्ट पिक्चर बताती है कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या था। कस्टमर को बहुत सिंपल चीज़ चाहिए थी, कस्टमर को एक रोप चाहिए थी और उसके नीचे एक टायर चाहिए था। कस्टमर को ये चाहिए था जो कि बहुत ही ईजी था, लेकिन कस्टमर ने जो एक्सप्लेन किया रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टीम को वो ये किया। अब अगेन कस्टमर आपके पास ऐसे ही आएंगे, कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि उसे क्या चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये अच्छे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ड्यूटी है, ये अच्छे एक
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टीम की ड्यूटी है कि उसको वो सारी टेक्निक्स पता हों रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की। ये आगे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपका सारा प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आपका आपके कस्टमर से कैसे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स निकलवानी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टीम को पता होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चीज़ बहुत सिंपल होती है, उसको बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि हमें हमारे कस्टमर को नहीं पता होता, फिर हम लोगों ने उससे सही तरीके से रिक्वायरमेंट्स नहीं गैदर की होती, हमने डिज़ाइन सही से नहीं बनाया होता, और डेवलपर जो है वो भी ड्यू टू पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिज़ाइनिंग एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वो भी बहुत पुअरली डिवेलप करते हैं उसको। सो अब मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब किस वजह से है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को ना अप्लाई करने की वजह से। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करती है, जैसे मैं ड्यूरिंग डिस्कशन भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू IEEE इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफायबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बिगर पिक्चर है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना के दे दिए, ये पूरी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के लिए है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको हेल्प करती है। उसके ऑपरेशन के दौरान जब तक वो सॉफ्टवेयर चलता रहता है, राइट, और मेंटेनेंस भी, कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई इशू आ जाता है, आपकी विंडो क्रैश कर जाती है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आप उनको रिपोर्ट सेंड करें, ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन उसके इशू आ गया, आपने रिपोर्ट सेंड की, वो रिपोर्ट किस लिए, ताकि मेंटेनेंस के लिए उन्हें रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, ताकि जो भी इशूज़ हैं वो उनको सॉल्व कर सके। और जितनी भी अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो ये सब चीज़ें करती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो हमने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है, उसके ऑपरेशन उसके मेंटेनेंस में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है। और कैसे हम इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, हमने ऊपर डेफिनेशन में बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या है, कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, एक प्रॉपर तरीका का, ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से ली और एक्सप्लेन की, प्रोजेक्ट लीडर ने एक्सप्लेन की और जो डिज़ाइनर्स थे उनको कुछ और ऐसे नहीं, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ली, उनको एनालाइज किया, SRS तैयार किया, प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू हो रहे ना काम, आपने SRS, ये हम चीज़ें दोबारा डिटेल में करेंगे। अभी हम इश्यूज़ को देख रहे हैं कि इश्यूज़ क्या हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे हेल्प कर रही है। SRS क्या है, एनालिसिस, ये हम सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मकसद आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के कि सिस्टमैटिक से हमारा मतलब क्या है। हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, कि प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप लोग जाएं। आप लोगों ने किया, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ली, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया, उसका आप लोगों ने SRS तैयार किया, आपने कस्टमर को जाके दिखाया, आपने उसको कहा कि जी देखें आपकी रिक्वायरमेंट 1 भी पूरी हो रही है, रिक्वायरमेंट 2 भी आपने हमें ये बताई थी, रिक्वायरमेंट 3 भी आपने हमें ये बताई थी, हमने उस पर काम किया, तो इज़ इट फाइन, आपको यही चाहिए था। अगर कस्टमर एग्री करता है तो आप लोग, आप और कस्टमर, प्रोजेक्ट लीडर और कस्टमर, वो SRS साइन करता है और फिर आप लोग काम शुरू करते हो। उसके बाद ये है कि कोई इशू आता है तो आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखें आपने हमारे साथ SRS साइन किया था और आपने एग्री किया था इन रिक्वायरमेंट्स पे। फिर कस्टमर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो मुझे चाहिए था इन्होंने वो बनाया ही नहीं है। अदरवाइज तो ये है कि देखें हम टेलर को एक सूट दे के आते हैं ना, तो चांद रात तक हम उसमें यही कह रहे होते हैं कि ओ नहीं ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, और उसके बाद भी जब हमें सूट मिला, हमने डिज़ाइन बताया था, लेकिन अगर हमें नहीं पसंद आया तो हम कहेंगे नहीं हमने तो ये बताया ही नहीं था, आपने वैसा बनाया ही नहीं है जैसे हमने बताया था, मैंने तो कुछ और बताया था,
ठीक, तो सॉफ्टवेयर जो है अगर आपने SRS साइन किए करवाया है तो कस्टमर कल को ये क्लेम नहीं कर सकेगा कि जो मैंने बोला था वो आपने बनाया नहीं, क्योंकि वो हर रिक्वायरमेंट के ऊपर एग्री कर रहा है कि बिल्कुल जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखी है मुझे यही चाहिए, और उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली, उनको प्रॉपरली एनालाइज किया, सारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने देखी, वो हम आगे स्टडी करेंगे और SRS साइन करवा। तो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप सारे काम कर रहे हैं। फिर वो गया डिज़ाइन फेज़ के पास, डिज़ाइनर से उसका आर्किटेक्चर बनाया, उसका डिज़ाइन, उसके मॉडल्स बनाए, वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, कैजुअली काम नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच। कि अगेन डिसिप्लिन अप्रोच है, ऐसा नहीं है आप लोग जब प्लानिंग कर रहे होते हो, जब एनालिसिस आप लोगों ने डिज़ाइन किया, प्लानिंग फेज में प्लान कर दिया इस मॉड्यूल पे इतने हमारे रिसोर्सेज लगेंगे, इतना टाइम होगा डिज़ाइनिंग पे हम इतना टाइम लगाएंगे, एनालिसिस पे हमने इतना टाइम लगाया, कोड इतने टाइम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसको हम फिर प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलें ठीक है जब डिज़ाइन तैयार हो गया तो फिर हम डेवलपमेंट को देखेंगे, जब डेवलपमेंट हो गई तो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में टाइम टेबल को डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है ना, और जब डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है तभी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। और क्वांटिफाइबल, व्हाट इज़ क्वांटिफाइबल, कि आप फिर उसकी क्वालिटी को मेजर कर सको, आप उसकी परफॉर्मेंस को कि जो आप बनाना चाह रहे हो वो वैसा हो भी रहा है या नहीं हो, तो क्वांटिफाइबल अप्रोच है। जैसे अभी हमने गुड सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स देखे तो हमने कहा कि इन इन बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर और नॉट। ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो अगर हम लोग उसकी टेक्निक्स को अप्लाई करें तो हमें ये इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेंगे। अच्छा, अब जो इश्यूज हमने देखे हैं उसकी एक तो रीज़न हमें समझ आ गई कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को अप्लाई नहीं किया, पहला रीज़न तो ये नज़र आता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आपका सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर आते दिन के साथ इनोवेशन आ रही हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें आपको हर तरफ सॉफ्टवेयर्स नज़र आएंगे। ठीक है, और हर गुजरते दिन के साथ डेवलपर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज की कोशिश है कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ लेके आए। ये इंसान की नेचर में है कि वो अच्छे से अच्छा चाहता है, तो वो उस अच्छे से अच्छा चाहने के उसमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब पहले व्हीकल्स के अंदर छोटे मोटे से सॉफ्टवेयर्स थे, अब ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रहे हैं, अब देखें कितने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। पहले आपके ऑपरेशन थिएटर्स में कुछ मशीनरी के अंदर कुछ छोटे से सॉफ्टवेयर्स होंगे स्मॉल स्केल के, अब ऑनलाइन सर्जरीज पॉसिबल हो गई हैं, कितने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होंगे उसके लिए। अब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और रिस्की भी बहुत है। हम लोगों ने फेलियर्स में देख लिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर ली कि अब वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैजुअल भी नहीं ले सकते, हमें बड़ा सीरियसली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दो बहुत इम्पॉर्टेंट फेमस टेक्निक्स है, वन इज़ एब्स्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज़ डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग आप कुछ डिटेल्स को डेवलपमेंट में डिज़ाइन करते हो, कुछ चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर देते हो फॉर द टाइम बीइंग, और बाद में उन चीज़ों को आप लोग ऐड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ERP डिज़ाइन कर रहे थे तो आप लोगों ने कहा कि पहले जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम लोग बना लेते हैं, हम लोग डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का मॉड्यूल होगा,
एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होगा, एकेडमिक्स का होगा, फैकल्टी का होगा, हॉस्टल का होगा, ठीक। तो फिर हम लोग जो उसके अंदर की डिटेल है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम बिगर पिक्चर से, हाई लेवल व्यू से लो लेवल की तरफ जाते हैं, तो तब भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग एब्स्ट्रैक्शन में आप कुछ डिटेल्स को छोड़ देते हो और बाद में उसको देखते हो, ठीक है। फिर एक एक मॉड्यूल पे आप गए और आपने उसको डिटेल में देखना शुरू कर दिया। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्सिटी को आप डिकम्पोजिशन के थ्रू भी कम कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन कैसे है कि आपने, आपका एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर था, आपने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया और फिर हर मॉड्यूल के ऊपर उसको टीम में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप ने एक मॉड्यूल पे काम किया, दूसरे ग्रुप ने दूसरे मॉड्यूल पे काम किया, तीसरे ग्रुप ने तीसरे मॉड्यूल पे काम किया। फॉर एग्जांपल गूगल मैप जो है या नेविगेशन सिस्टम जो है, अब उसको हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, हाँ, और इंडिया वाला इंडिया को दे देते हैं, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान की टीम को दे देते हैं, बांग्लादेश वाला बांग्लादेश की टीम को दे देते हैं, अमेरिका वाला, चाहे इस तरह मुख्तलिफ टीम्स पर डिवाइड कर देते हैं। और अब वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई ना, अब फिर क्या होगा, हो सकता है वो पाकिस्तान वाला जो मॉड्यूल है उसको फर्दर डिकम्पोज किया जाए, ठीक। फिर अब एंड में जब ये अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार हो जाएंगे, फिर हम इन्हें एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर देंगे और वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो हम इजीली बना सकेंगे। सो बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आप जल्दी से इसको रैप अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई तो आप लोग लेक्चर पूरा सुने और मुझसे दोबारा पूछें। हम लोगों ने आज के लेक्चर में इश्यूज डिस्कस किए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन से इश्यूज हैं। हमने टेक्निक्स को देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी को, और इश्यूज देखने के साथ साथ हमने देखा कि फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें हेल्प करती है उन इश्यूज को मिनिमाइज करने में, उन इश्यूज को कम करने में। और फिर हमने टेक्निक्स डिस्कस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, अपने सीआर को इन्फॉर्म करें कि ऑनलाइन क्लास अरेंज करवाएं और फिर उसमें हम लोग डिस्कशन के थ्रू ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल अल्फाज में, एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अरेंज करवाएं और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।